नमस्कार यूट्यूब चैनल गोपाल दास न्यूज থেকে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখাতে উত্তরাখণ্ডে রোজগার মেলার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এরকম মেলা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শুরু করা হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। नमस्कार, मेरा नाम पी परमेश्वर सिंह और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं आज वीडियो के माध्यम से जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पर जो बराक सर्कल है और बराक सर्कल के अंदर जितने भी समाज है, जितने भी कम्युनिटी है, यानी कि बिष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी, हिंदू बंगाली कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और ट्राइब कम्युनिटी, स्पेशली ये सारे कम्युनिटी के मैंने खुशखबरी लेकर आया हूँ। बात यही है कि लगभग 2005 से हमारे ग्वाकल इलाके पर जो असम राइफल जो कैंप है और इसी असम राइफल कैंप पर हमारे फिलहाल अभी 39 असम राइफल डी कंपनी बटालियन जो है और इसी कैंप को हमारे मणिपुर सरकार दूसरे जगह पे परमानेंटली ट्रांसफ़र करने के लिए जो फैसले ले चुके हैं और इसी फैसले पर हमारे बराक सर्कल के जितने भी समाज है, जितने भी ग्रामवासी है, सब लोग विरोधी करने लगे हैं और हम भी एक युवक के नाते ये सरकार के इस फैसले पर हम भी बेखुश है और हम जनता के साथ दे चुके हैं। पर इससे लेकर आज 17 तारीख फिलहाल अभी रात का 9 बज रहा है और आखिरी पर सरकार हमारे मणिपुर सरकार मजबूर हो चुके हैं और हम आज हमारे मणिपुर सरकार के बीच जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो आर्मी के जो इंचार्ज है लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप जी, राणा प्रताप कलिता जी के साथ हमारे मणिपुर सरकार के बीच बातचीत हो चुका है। आखिरी पर सरकार ने ये फैसला लिया गया है कि ये कैंप परमानेंट रखा जाए और इसके कारण हम राणा प्रताप कलिता जी को सलूट करते हैं और मणिपुर सरकार को भी सलूट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को भी सलाम करते हैं। आज जितने भी प्रोटेस्ट पे जुड़े हुए, जितने भी माँ बेटिया, भाई बहने, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुके हैं और इसके कारण हमें भी बहुत खुशी मिल चुके है। थोड़ी देर पहले हमारे जिरीबाम के लोकल MLA मोहम्मद असाबुद्दीन जी और बिष्णुपुर केंद्र की कैबिनेट मिनिस्टर कंथोजम गोविंदा जी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हो चुका है और गोविंदा जी ने हमें जितने भी पब्लिक इधर प्रोटेस्ट पे जुड़े हुए सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एश्योरेंस दे चुका है कि ये कैंप जो है आर्मी कैंप जो है ये ग्वाकल में परमानेंट रखा जाएगा, बराक सर्कल में ही रखा जाएगा और ये जनता के सुरक्षित के लिए रखा जाएगा ये बोल के एश्योरेंस दिया है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम लोगों ने ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है, हम लोगों ने आज तोड़ने के लिए, आज ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने फैसला ले चुका है और क्या बताएं, इसके कारण हम हमारे लोकल MLA असाबुद्दीन जी को हज़ार हज़ार प्रणाम करते हैं और हमारे गोविंदा जी को भी प्रणाम करते हैं। गोटा विश्व के जे रखम हाथ मुठर मध्य सवार का पहुँचे दिए से सरकम फेसबुक माध्यम अनेक अघटन विपद घटे तबरटी देख सुन फेसबुक माध्यम कासार डिस्ट्रिक्टर कसुदरम एलिकार जुवक दीपन रविदासर संगे परिचय हो बनासर बसर 27 एक युवती एरपर से ही परिचयक्रमे प्रेमे परिणत हो फेसबुक माध्यम कैक मास आगे ओई युवती के लिए बेंगालुरु पाड़ी दे दीपन से किसुद एक संगे थार पर दीपन ओई युवती के वाहत अली खान नामे बिक्री करे कसुदरम फिरे आसे किंतु एखाने आसार पर से पाली छिलो ए खबर युवतीर बाड़ी लोकेरा जानते पारले शुरू हई खोजखबर उपायंत ना पिए गत अक्टोबर मासे दीपन के अभियुक्त करे एक मामला दायर करा हुए छिलो युवतीर छोटो बोन से ही तदंत नेमे पुलिस ताके ग्रेप्तार करे एवं तार सूत्र धरे सेखाने बेंगालुरुते गिए मेयेटिके जे जार काछे बिक्री करे दिए एसेछिलो दीपन से ही लोकटार वाहत आलिर काछ थेके मेयेटिके पुलिस उद्धार करे उठे जाच्छे पोस्टपेड कनेक्शन एबार विद्युतेर आलो जलबे प्रिपेड रिचार्जे प्रयोजने प्रमोदिनेर जन्य ओ रिचार्जेर सुविधा थाकबे बोललेन AGM APTCL। दिल्लीर लुम्हर्षक फ्रिज हत्याकाण्डेर छाया एबार गुवाहाटी देव बरं सेई श्रद्धा हत्याकाण्डेर घटनाकेओ छापिये गेछे महानगरे नूनमाटीर एई घटना राज्य जुड़े चांचल्य सृष्टिकारी असम यह घटन पैटार्न अनेकटा श्रद्धा खुनर मतई ठंडा माथाय खून तरह मृतदेह टुकड़ो टुकड़ो कर पलिथिने मुड़े धूरे कोथाओ सरिए छिटिए फेले देवा तब एखे स्त्री हाथे खून होमी पशापाशी शाशुड़ी ये लुमहर्षक मामलार तदन तो नेमे पुलिस जावतियों तथ्य तो संग्रह कर आसामी के खुनी कर कैन खुनी सब किस धरा विस्तारित रही है रिपोर्टे एक आजब घटना
হাইলাকান্দি লালার এক বেসরকারি স্কুলের কাণ্ড কারখানায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শহরের সেক্রেড হার্ট সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল রেজাল্ট খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় প্রায় 40 জন পরীক্ষার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে দেয়নি বলে অভিযোগ। ওই বেসরকারি স্কুল নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করলেও কিছু পরীক্ষার্থীর হাতে সেটা তুলে দেয়নি। উল্টো ধমক দিয়ে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজের হাতে রেখে দেন বলেও গুরুতর অভিযোগ। এ নিয়ে সোমবার পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটের সামনে উপস্থিত হয়ে বঞ্চিত পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। এ নিয়ে তদন্ত চলছে।